दोस्तों, फ्लैट बेंच की रिगार्डिंग आपकी तीन मेन क्वेरीज हैं। ग्रिप स्टांस कितना रहेगा, क्या स्टांस बॉडी बिल्डिंग के लिए आइडियल है। दूसरा, बार जब नीचे आएगी तो चेस्ट पे कहाँ टच करना है। तीसरा, आपका ब्रीदिंग कैसे रहेगी। तो ग्रिप स्टांस देखो, जब आप बेंच प्रेस नीचे लेके आते हो ना बार को, तो नीचे जब चेस्ट पे आपकी बार टच करेगी, आपका जो एल्बो है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। अगर ये स्टांस है तो ये आइडियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। दूसरा, फिर बार कहाँ टच करेगी, आप या तो मिडिल चेस्ट पे या फिर लोअर चेस्ट पे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, ये आइडियल है। बहुत नीचे पेट की तरफ नहीं ले जाना, बहुत नेक की तरफ नहीं जाना आपने। ब्रीदिंग, एक बार बार को आपने होल्ड कर लिया, फुल ब्रीदिंग कर ले, सांस भर ले, अपने कंट्रोल में स्लो लेके आए बार को नीचे, टच करा के और फोर्सफुली उसको थोड़ा फास्ट उठाएं उसको बार को। ऊपर आधे टाइम ज्यादा जोर लगाना और डाउनवर्ड मोशन में आपने ब्रीदिंग करना है। जब आप बार को पुश करेंगे जहां मैक्सिमम एफर्ट लगता है आपका, वहां ब्रीद आउट करना हर रैप में, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। ब्रीद इन, अंडर कंट्रोल लेके आएंगे नीचे, टच किया, आप पूरी फोर्स से आपने बार को उठाया, ब्रीद आउट किया, अगेन ब्रीद इन करेंगे, फिर बार को नीचे लेके आएंगे, टच किया, फिर फोर्सफुली आपने उसको लिफ्ट किया। यही सिस्टम है ब्रीदिंग का। एक होता है वाइड ग्रिप स्टांस, जो मोस्टली पावर लिफ्टर्स के लिए आइडियल है, क्योंकि उनका रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है ग्रिप वाइड करने की वजह से, और बार भी थोड़ा पेट की तरफ लेके आएंगे तो आप ज्यादा वेट उठा पाएंगे इसमें, क्योंकि आपके ट्राइसेप का रोल बहुत बढ़ जाता है, ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा लेकिन इस मूवमेंट के लिए आपको। ये पावर लिफ्टिंग के लिए आइडियल है। अगर आपका बार नीचे टच करने के बाद आपकी फोर आर्म्स अंदर झुके हुए हैं, जैसे इस वीडियो में दिखाया मैंने, अगर ये आपका एल्बो बार है, फोर आर्म्स अंदर झुके हुए हैं, ये इस ग्रिप को आपने अवॉइड करना है, बहुत नैरो ग्रिप है आपकी चेस्ट के लिए। तो मुझे लगता है आपका जो 3-4 क्वेरीज थी वो क्लियर हो गया होगा, और इसको अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में अप्लाई करें। थैंक यू।